मॉनसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से तो राहत दिलाता है, लेकिन इस मौसम में लोग कई इन्फेक्शन और बीमारियों से परेशान रहते हैं। इस मौसम में ह्यूमिडिटी के कारण कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। ये मौसम स्किन, पेट, आंखों के लिए काफी समस्या पैदा करता है। मॉनसून से जुड़ी बीमारी आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ती जा रही है। इसे पिंक आई इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय हम बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप आई फ्लू होने पर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे गुलाब जल आपको अपनी आंखों में नहीं डालना है। गुलाब जल से बस आपको अपनी आंखों के आसपास जहां पर सूजन है वहां पर लगाना है। गुलाब जल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। आई फ्लू से छुटकारा पाने के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन याद रहे आपको ये आंखों में नहीं डालना है, बस अपने आंखों के आसपास सफाई करनी है। ये तो हम सब जानते हैं कि गुलाब जल आंखों को ठंडक पहुंचाता है, लेकिन आई फ्लू में आपको गुलाब जल आंखों में नहीं डालना है। तुलसी, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो आंखों को संक्रमण से बचाते हैं। आंखों के लिए तुलसी का उपयोग करने के लिए तुलसी के पत्तों को रात भर पानी में भिगो दें और अगले दिन इस पानी से अपनी आंखें धो लें। ये प्रोसेस आपको दिन में 3 या 4 बार फॉलो करना है, लेकिन याद रहे अगर आपको आंखों में ऐसा करने से ज्यादा जलन महसूस हो रही है तो फिर ऐसा ना करें। ग्रीन टी बैग्स, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये आंखों की दर्द और सूजन कम करने में मदद कर सकती है। आंखों पर इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन टी के बैग्स को गुनगुने पानी में डालें और फिर उन बैग्स को अपनी आंखों पर कुछ टाइम के लिए रख लें। आप चाहे तो इन टी बैग्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर इसके बाद इन ठंडे टी बैग्स को अपनी आंखों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आंखों में ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर आपका आई फ्लू ज्यादा सिवियर है तो डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां ही लें। तो दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।